हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम स्टार्ट करेंगे जो इस बार का सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद जो हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो आप देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जैसा कि आपको पता है मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें ऑलरेडी आपको वीडियो वगैरह बना करके मैंने दिया था, ठीक है, जिसमें कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में सब चीज़ आपको बताया गया था, कैसे क्या करते हैं, करंट कितना बता, ओम्स लॉ तक मैंने बता दिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ओम्स लॉ से जो रिलेशन आता है वो आपका पता चलता है किस चीज़ के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, उसका वेरिफिकेशन दो तरह से किया जाता है। ठीक है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन दो तरह से होता है। इसके बाद फाइनली हम लोग को जो पढ़ना होता है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो रेसिस्टेंस को जो जोड़ा जाता है वो दो तरह से, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई कंडक्टर, जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को है ना इंड टू इंड जोड़ा जाता है, इंड टू इंड जोड़ा जाता है, तो इंड टू इंड जोड़े जाने पर इसको हम लोग सीरीज का नाम देते हैं। और जब कोई भी रेसिस्टेंस को सेम टू इंड पर जोड़ा जाता है, सेम टू इंड पॉइंट पे जब जोड़ते हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है, पैरेलल के केस में आ जाता है। ठीक है, इंड टू इंड सीरीज के केस में होता है और इसके बाद सेम टू इंड पॉइंट पैरेलल के केस में आता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के केस में फिर हमने आपको बताया था रिगार्डिंग जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो वहाँ आर इक्विवेलेंट जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, अगर तीन के बात करेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाता है। इसी प्रकार से अगर रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट इन पैरेलल निकाला जाता है तीन रेसिस्टेंस का तो वन बाई आर वन बाई वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री ए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर को लेकर के तो बताए थे, तो जो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम है ना वो कहला जाता है इलेक्ट्रिक पावर के केस में, इसका यूनिट जो था वाट। ठीक है, अब देखो हम लोग का जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का बेसिकली जो इफेक्ट के बारे में हम देख रहे थे वो करंट में अलग अलग इफेक्ट, जैसे देखो हीटिंग इफेक्ट है ना, हीटिंग इफेक्ट वगैरह में आ गया, जब भी करंट कंडक्टर से फ्लो करेगा तो वो हीट प्रोडक्शन करता है, लाइट भी साथ साथ में आ गया तो वो हीटिंग इफेक्ट में आता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करवाते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह वो केमिकल इफेक्ट में आ जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, और ये हमारे पास कंपास नीडिल है। ठीक है, तो आप अच्छा सा देख सकते हैं कंपास नीडिल, ये कंपास नीडिल क्या होता है, तो कंपास नीडिल इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जैसे देखो ये हमारे पास हॉर्स शू शेप टाइप का मैग्नेट है। ठीक है ना, ये घोड़ा के नाल है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना हॉर्स शू शेप्ड का ये मैग्नेट है। ऐसे जनरली एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है ना, राउंड मैग्नेट भी है लेकिन यहाँ पे हॉर्स शू शेप। ठीक है ना, ये देखो घोड़ा का जूता। अब देखो अभी इस केस में क्या करते हैं ना, इसमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड के केस में आता है तो ये डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगर कल्पना किया जाता है कि अर्थ में पृथ्वी में बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट डाला हुआ है। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है, देखो जितना भी मिनरल्स वगैरह होता है उसका स्रोत क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है ना, जो भी मेटल वगैरह है, मिनरल्स का मतलब क्या होता है, द मटेरियल विच आर फाउंड अंडर द अर्थ है ना, वैसे मटेरियल जो पृथ्वी के अंदर में पाया जाता है उसको खनिज कहते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। अब इसमें मेटल्स वगैरह भी पाए जाते हैं और वो मेटल्स वगैरह हमारा, तो आपको भी पता है ना हमारा बॉडी गुड कंडक्टर है कि नहीं है, आयंस का बहाव होते रहता है। डॉक्टर के पास कभी कभी जाते हैं, ओ देखो ना 2 मिनट में 4 बार लोग हार जाते हैं, अच्छा डॉक्टर बोलेगा ऑक्सीजन की कमी है, आयरन की कमी है, टैबलेट दीजिए, पैर में टेटैनी है, कैल्शियम की कमी है ना, तो वो जो मेटल वगैरह जो दिया जाता है इसका मतलब क्या होता है, वो आपको सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है ना कहीं वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है और फिर उसके बाद जो भी आयन का ही बहना हमारे बॉडी में क्या करता है ना, हेल्प करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ करेंट को लेकर के, चलिए इसमें देखते हैं हम। तो यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के जो हम क्या बता रहे हैं बेसिकली है ना, वो डिफ्लेक्शन शो करता है यहाँ पे। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है इसके बारे में आपको बताएं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में आ रहा है ये देखो डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, ये डिफ्लेक्शन शो करता है, ये कंपास नीडल होता है तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा कब, देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए इसमें तो फिर यही आ जाता है, फिर इसका पावर का अलग अलग फार्मूला बताया था तो इसको कवर कर लेना। ठीक है, ऑलरेडी लिंक वगैरह हम डाल देंगे उसका जो भी बताया गया है। तो आज स्टार्ट करो मेन बेसिकली जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट।
इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। और अगर बेसिकली इसमें जो टॉपिक है हम लोग को जो पढ़ना है, वो टॉपिक हमारा जो शामिल है, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड पढ़ना है फील्ड लाइंस और करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद करंट जो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसमें तीन केस में हम लोग लेकर चलेंगे। पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में लेकर चलेंगे, दूसरा करेंट जो कैरी हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन करवाएंगे सर्कुलर लूप में, है ना। सर्कुलर लूप कुछ नहीं, कोई भी वायर है ना कंडक्टर, उसको स्ट्रेट है तो वो जाकर के स्ट्रेट वायर कंडक्टर, उसको जब सर्किल के रूप में दे दिए तो सर्कुलर लूप कह रहे हैं, ठीक है, तो सर्कुलर लूप में दिखाएंगे। फिर क्या, कॉपर इंसुलेटेड वायर को आयरन रड के चारों तरफ अगर उसको हम राउंड अप करेंगे या बाइंडिंग करेंगे, वो सेलोनॉइड का रूप लेगा, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका क्या लेवल है, उसका स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्लॉक फेस रूल वगैरह बताएंगे, ठीक है ना। इसमें दो डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। घड़ी के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कहते हैं, आईएनटी माने विपरीत, घड़ी के अगेंस्ट वाला जो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जैसे पीटी वगैरह करते हैं ना, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, माने जब फोर्स लगता है कैसे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तब, उस केस में। और वहीं से हम लोग का वर्किंग प्रिंसिपल आएगा मोटर का, ठीक है ना। अब उसमें यही होता है ना, मोटर कौन सा डिवाइस है, कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं कि नहीं देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करता है, जबकि जनरेटर क्या है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो पैदा करता है। अब मोटर क्या करता है, मोटर को आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है तब जाके वो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वर्किंग जो प्रिंसिपल वहां से आएगा जाकर के फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगा देंगे नीचे में, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल में मरकरी हमारा आ जाता है, ठीक है ना। और वो मरकरी आ गया, उससे कंडक्ट मतलब एक क्या करना है, सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा, और जैसे ही उसमें डीप होगा ना तो सर्किट पूरा होगा, करंट फ्लो करना शुरू होगा। अच्छा, ये चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले एक क्लियर होना चाहिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि व्हेनेवर करंट फ्लोस थ्रू कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। माने जब भी कोई कंडक्टर से करंट बहेगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कॉमन एग्जांपल हम क्या करेंगे ना, ये चंबुक है, ठीक है ना, देखो ये मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट के उतना ही क्षेत्र तक इसका रेंज काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अलग होता है, ठीक है। इसमें हमने पता है आयरन का पार्टिकल्स है ना, जिसको बुरादा कहते हैं, लोहा वगैरह कट रहा था, ठीक है, तो उसका बुरादा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकाल देंगे, जैसे नॉर्थ से निकल करके साउथ पोल के पास गैदर रहेगा, इसका फील्ड लाइन पूरा अच्छा से बनेगा, ठीक है ना, पेपर पे हम करके दिखाएंगे। अब हम क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड समझा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं किसको, है द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, माने चंबुक के चारों तरफ का क्षेत्र जहां इसका प्रभाव देखने को मिलता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे देखो यहां तक नहीं ना काम कर रहा है, देखो यहां पे है ये रखा हुआ नहीं, लेकिन एक रेंज तक आएगा जहां पे वो खींच लेगा, ठीक है, मतलब जितना इसका स्ट्रेंथ था उसके। अब सब अब बोलेंगे ना पॉकेट में यहां पे सिक्का है वहां से सटा लेगा, नहीं, एक उसका रेंज है ना, तो जितना रीजन उसका चारों तरफ का क्षेत्र जहां इसका प्रभाव देख सकते हैं, है ना, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, समझ गए ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, द रीजन अराउंड मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है ना, वो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना पावरफुल है इसका मैग्नेटिज्म, तो ये टेस्ला में आ जाता है, ठीक है। अब इस केस में जो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको समझ में आया, सिंपली क्या हुआ, व्हेनेवर करेंट फ्लोस थ्रू कंडक्टर देन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। करेंट जब बहेगा तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस प्रकार से तुमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में स्टेटमेंट क्या बताया कि व्हेनेवर करेंट फ्लोस थ्रू द हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम देन हीट इज प्रोड्यूस, है ना, दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। जैसे कोई भी
देखो ये बल्ब में ना अब हीट प्रोड्यूस होता है, स्वाभाविक सी बात है ना, ये जल रहा है उतना देर से ग्लो कर रहा है, आप इसको टच करके देखो गर्म दिखेगा, आपको फील होगा, ठीक है ना। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, अभी डेफिनेशन आपको बता दिया, रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। What do you mean by मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, पहला क्वेश्चन ये डाल सकते हो, ठीक है। What do you mean by मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, when current flows through conductor, then magnetic field is produced produced around it, and this effect is known as magnetic effect of electric current। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, magnetic effect of electric current कहते हैं, ठीक है, magnetic effect of electric current। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे किसको, तो अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं और डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप डाल सकते हो डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच its influence can be experienced, है ना। मतलब चंबुक के चारों तरफ का क्षेत्र जहां उसका प्रभाव देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये भी हम बताते हैं, और अगर ये पूछा जाएगा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड के केस में जनरली पूछा जाएगा तो वो टेस्ला डालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन के बारे में पता चला जाए या मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ पता लगाना हो, तो इसका कैसे पता लगाया जाता है, बाई कंपास नीडल। जिस प्रकार से कोई भी, जैसे कि देखो हम बताए थे करंट नापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज नापने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ से नापा जाता है, वोल्ट मीटर से, है ना, करंट एमीटर से। और उसी प्रकार से खाली करंट है कि नहीं कंडक्टर में इसका पता किस चीज़ से लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, परसेंट शो करता है कि करंट है कि नहीं एकरा में, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में अलग अलग, जैसे कि सीधा वाला में अगर आते है ना और स्ट्रेट करंट कैरिंग में, तो ओकरा में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या तो मैक्सवेल रूल लगा सकते हैं, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड का रूल आता है उनका, राइट हैंड थंब रूल देते हैं वो मैक्सवेल, ठीक है। इसमें मोटर जनरेटर में अलग अलग रूल्स काम करेगा, वो फ्लेमिंग का दिया हुआ है, है ना। बाकी जनरेटर का प्रिंसिपल माइकल फराडे का भी पढ़ना होगा उसमें हम लोग को, ठीक है। तो रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, माने चंबुक के चारों तरफ का क्षेत्र जहां उसका प्रभाव देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रिप्रेजेंट करवा दिया जाए, मतलब पता कैसे लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। कभी कभी ये भी पूछता है कि कंपास नीडल है क्या, तो कंपास नीडल इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इसमें भी ना एक पॉइंटर में इसमें कंपास नीडल का अलग अलग कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, इसमें भी मैग्नेट को कंसिस्ट करके रखता है, वही डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन सब मेंशन किया हुआ रहता है एकरा में, ठीक है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड के केस में जाएगा ये ऑटोमेटिक अपना डिफ्लेक्शन शुरू करता है, ठीक। व्हाट डू मीन बाय, ये लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ठीक है। अब इसमें तो मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जनरली हम लोग दो तरह के मैग्नेट के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक ना। देखो बेसिकली होता क्या है, एक हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, और एक हमारा आता है टेम्पोरेरी में। तो टेम्पोरेरी में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पोरेरी मैग्नेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कंडक्टर से करंट पास करवाएंगे उसके अनुसार वो तुरंत मैग्नेटिज्म पा लेगा और फिर ख़त्म कर लेगा, ठीक है। तो वो जाकर के अब परमानेंट में क्या होता है ना कि वैसा मैग्नेट है ना जिसका पोलारिटी वगैरह भी फिक्स रहता है, ठीक है ना। हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। और फिर पोलारिटी के हिसाब से फिर जानेंगे कि लाइक पोल क्या करता है, रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन। साउथ साउथ में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इस केस में भी आएंगे। अब इसका अगर मान लो कि पूरा क्वांटिटी 5 टेस्ला है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। परमानेंट का मतलब क्या हो गया, फिक्स हो जाना, यानी कि जब कोई भी मैग्नेट का स्ट्रेंथ फिक्स है पहले से, पोलारिटी फिक्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। और टेम्पोररी मैग्नेट का ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इसका स्ट्रेंथ पता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बढ़ाना घटाना इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है ना। वो हमारे कंट्रोल में होता है, यहां तक कि इसका पोलारिटी वगैरह भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। पोलारिटी वगैरह सब रिवर्स कर सकते हैं, किस केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में। अच्छा, जैसे देखो हम लोग ना एक मूवी था रॉबर्ट, जो शुरू शुरू निकला था रजनीकांत वाला, ओकरा में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके ना वो लेकर के जाता है कहाँ पे पता है, वो लेकर जा जब उसको कबाड़ी में बिक देता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो वहाँ पे जैसे कि रॉबर्टवा का जो बिक देता है तो वहाँ पे भी जाता है, तो भी बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही किया जाता है। अच्छा, डॉक्टर भी इस्तेमाल करता है जब किसी का मतलब कोई वर्कर है, ठीक है, कंपनी में काम कर रहा है, लोहा वगैरह के कण चला जाता है आँख में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए, ठीक है ना। के वो बच्चा था उसका क्या हो गया कि चला गया था सुई, ठीक है, डॉक्टर का किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए, पहले तो स्कैन करवा लिया वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के बाद, उसके बाद क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना पलका हल्का सा ट्यूब पास करा करके इलेक्ट्रोमैग्नेट से सराख से खींच लिया, ऑटोमेटिक बाहर निकल गया, ठीक है। तो उसका मेडिकल एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह का किया जा रहा है, ठीक है। इनकेस अगर पूरा सिस्टम में फेल हो गया, जैसे कि फ्लॉप कर गया, अंदर ही 2-3 राउंड मार ले, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब तो फिर दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिक्का वगैरह अटका लेता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसका निकाल दिया जाता है। पहले तो छोटा मोटा चंबुक रख करके काम किया था, क्या नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ हमारे कंट्रोल में होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंट्रोल आपके अंदर में होता है, उसको घटा बढ़ा सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तीन तरह के, अब तो तुम ना यहाँ पे सिलेबस के अनुसार सबसे पहला था मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन मैंने बता दिया, रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, चंबुक के चारों तरफ का क्षेत्र जहाँ उसका प्रभाव देखने को मिलता है। फील्ड लाइन्स क्या होता है, तो इसका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो देखो द लाइन्स, द इमेजिनरी लाइन्स विच इवॉल्व आउट फ्रॉम द मैग्नेट, ये नॉर्थ से निकल करके साउथ में अंदर में चेंज हो जाता है। इसके बाद पोल के पास जो इसका क्राउडेड रहेगा, ठीक है ना, अब इसमें बना पाता है, लेकिन हमको तो दिखाना पड़ेगा दूसरा तरह से, ठीक है, वो भी हम दिखा देते हैं अभी थोड़ा देर में। तो उसमें केस में हम दिखा सकते हैं चारों तरफ कैसे बनाता है। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड तीन केस में हम लोग को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो वहां पे हम लोग जो निकालेंगे उसका कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा कि कैसा बनेगा इसके बारे में, तो सर्कुलर लूप के फॉर्म में ही, ठीक है ना। तो थंब जो करंट के डायरेक्शन में प्लेस करना होता है, मैक्सवेल नियम दिए थे इसमें कि जब भी सीधा वायर में करंट को आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलेगा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में क्या रखना है, अंगूठा को रखना है, और जिधर ही अंगुड़िया मुड़ेगा ना चारों वाला इन सर्किल फिंगर, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। ये दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको थंब को किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में, और जिधर इन सर्किल फिंगर होगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो ये दिया गया उनके बारे में। सर्कुलर लूप वाला भी हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं सर्कुलर लूप में, अब सर्कुलर लूप हम क्या बोले, देखो कोई कंडक्टर है, इसको सीधा मैंने रखा, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट वायर, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट वायर, या सीधा है ना, स्ट्रेट कंडक्टर बोलेंगे। अब इसी वायर को सर्किल का शेप दे देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। और इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो देखो दोनों केस में यहाँ पर ही जब बनेगा ना तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा, और जैसे ही सेंटर के पास आता है तो ये स्ट्रेट लाइन बना देता है, कैसा लाइन बना देगा, स्ट्रेट लाइन, समझिए बाबू बात को। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पढ़ा रहे हैं, तीन मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, तू ना गौर से सुनते जाओ, उसके फिर बाद में रिकॉल करने के लिए हो जाएगा, रिविजन करने के लिए होगा, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, समझना है, फिर बाद में हम नोट
नोट लिखवा देंगे, ठीक है। तो वो ए इसलिए बना दिया जा रहा है ताकि तुम बाद में भी देख करके रिवीजन कर सकते हो, ठीक ना। एक बार लेकर के बैठ जाओगे, देखो फील्ड लाइन्स ही सब तो समझ में आ गया। फील्ड लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स को कहते हैं जो नॉर्थ से निकल के साउथ पे खत्म होता है आउटसाइड द मैग्नेट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। मैं याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज व्हेन दे इंटरसेक्ट इट विल फॉर्म टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बताओ, अच्छा एक ही गो ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा जी, या तो एक गो नॉर्थ दिखाएगा एक गो साउथ दिखाएगा, एक बार में दो गो नॉर्थ कैसे दिखाएगा बताओ तो, है पॉसिबल? इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये गुण आ जाता है। इसके बाद जो ये हम पढ़ा रहे हैं जो करेंट कैरिंग कंडक्टर है, तो सीधा वाला में मैंने बताया कि एकरा में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना एक सर्कुलर शेप में होगा, लेकिन जब स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर कहा तो ओकरा में हम लोग मैक्सवेल के रूल से निकाल लेते हैं, और यहाँ सर्कुलर लूप में हम लोग को निकालने के लिए दो तरीका होता है। तो सर्कुलर लूप पहले तुमको समझाए कि जब कोई वायर को सर्किल के रूप में रखा जाता है उसको सर्कुलर लूप, और सीधा को स्ट्रेट वायर है ना स्ट्रेट कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। सीधा वायर को स्ट्रेट करेंट कंडक्टर कहते हैं, और जब सर्किल के शेप दिया जाता है तो उसको सर्कुलर लूप कहते हैं। अब आ जाइए लाइन पे आइए, तो जैसे ही दोनों के छोर जिस, देखो इसमें क्या करना रहता है ना कि कोई तार को है ना, मान लो कि ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, ठीक है ना, बढ़िया से देखिएगा, ये हमारे पास कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड को क्या करना है, इस कार्डबोर्ड पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड वैसा हमको चेक करना है। तो देखो इस कार्डबोर्ड को हमने लिया और यहाँ से तार को ऐसे इसमें प्लेस कर देना, ठीक ना। तो ई छोर और ई छोर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना तुमको, तो इसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब जानते हो, वैसा सर्किल जिसका सेंटर वही हो लेकिन रेडियस अलग होता है, सेंटर वही हो लेकिन रेडियस अलग, तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस लेकर के आप सर्किल ड्रा करते हैं, खींचते हैं, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं, समझ गए ना। तो ये दोनों छोर के पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा और बीच में स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बता रहे हैं, ठीक ना। तो तुम लोग से यही पूछा जाएगा कि यहां पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो दोनों जो एजेस है किनारे जो होता है वहां पे सर्कुलर इन शेप, और बीच में जो होता है तो सर्कुलर भी बनेगा, तो कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझिए, वैसा सर्किल जिसमें एक सेंटर से अलग अलग रेडियस के द्वारा सर्किल खींचा जाता है उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एकरा में सेलोनॉइड, तो सेलोनॉइड कुछ नहीं करना है, एक तुम कांटी ले लो, ठीक है, आ कांटी लेला के बाद एकरा पर कॉपर तार को लपेटना है। तो देखिए कैसे, इसको इस तरह से कॉपर वायर को लपेट देना, देख रहा है सौरभ, देखो इधर है ना, कॉपर वायर को इस पर लपेट देना है। तो जैसे ही कॉपर वायर को हम इस पर लपेटते हैं और यहाँ से करेंट देंगे ना, तो पता है ई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ये सटाना शुरू कर देगा लोहा के पार्टिकल्स को, ठीक है। सोचो हम क्या किए, कॉपर वायर लेंगे उसको लपेटेंगे कांटी के ऊपर, और इसमें जैसे ही करेंट पास करवाएंगे ई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो इसका डायरेक्शन, हाँ कारण क्या, क्योंकि यही तो है ना परिभाषा आजा चैप्टर के, चैप्टर क्या कर रहा है, व्हेनेवर करेंट फ्लोस थ्रू कंडक्टर, जब भी कंडक्टर से करेंट बहेगा चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसी प्रभाव को तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आज यही कारण होता है कि लाइन वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पे लाल से लिखा रहता है डेंजर, है ना, आ लिखा रहेगा सटला तक गेला बेटा, है ना, तो सटला तक कहा गेला है, वहाँ पे यही कारण होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ना भाई सटला तक गेला, ठीक ना। तो यही कारण होता है वहाँ पे ना, तो ट्रेन वगैरह के वायर जितना ज़्यादा करंट बह रहा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस केस में तो और खींचने का पावर रहता है ना, करंट वाला ये सब टाइमो देगा तुमको कि ना माए से भेंट कर ला चाहे बाबूजी से, एकदम स्वाहा तो स्वाहा, समझ गए ना। वो भी तो पूरा, इसलिए तो बोलता है ना कि लाइन अपन बापों के नहीं है, तो किसी का नहीं है वो ना। अब उसका तो प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड हो, केमिकल फील्ड हो, कुछ भी है, केमिकल इफेक्ट में भी आज बोलते हैं ना ससुराल वगैरह में क्या होता है, लोग चढ़ा देता है ना इसी गोल्डन पानी कर, तो कहेगा कि अरे तरीके देखो ना हमारे ससुरवा दिया है कूची वाला घड़ी, मैं ना तो खैर तो हम तो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, कूची वाला घड़ी दिया सोना की घड़ी, बट सोना की घड़ी वो नहीं रहता है, सोना सुने ना सोना के पानी चढ़ावल है, तो पानी चढ़ाता तो कैसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, और वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है, तो यही जा करके केमिकल इफेक्ट करंट के ही तो द्वारा किया जाता है। एक मेटल को डिकम्पोज करा करके करंट पास करा करके दूसरा पे ट्रांसफर किया जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सोना के पानी चढ़ा देना, ठीक है ना। ये अब थोड़े हम कह देखिए, देखो ना चांदी के चाबी है, मान लेगा लोल्हा है ना, ये चांदी के चाबी नहीं है, ये क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दिया जाता है, सिल्वर धातु का इस पर कलर वगैरह चढ़ा देगा, एकदम प्योर लोहा है, कहेगा देखो ये सटा लेगा, है ना, लोहे होना चाहिए,
है ना, देखो ये देख रहे हो ना, प्रूफ हो गया लोहा है, ठीक है, हम बोल रहे थे चांदी है, ठीक है ना। ये रिंग किस चीज़ का है, चांदी का है, देखो नहीं सटेगा, देखो तो बेइज्जती हो जाएगा, नहीं ना सट रहा, देखो ये देख रहे हैं ना, रिंग जो है इंगेजमेंट वाला रिंग नहीं है कि हंस रहा है ना। तो क्या बताया यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे हमने तीन तरह से आपको बता दिया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर लूप के बारे में, सोलेनोइड के बारे में, ठीक है, ये तीन तरह के। अच्छा अब एक बात ना, वो आओ वैज्ञानिक अलव जकर ना का रूल दिया ना, क्लॉक फेस रूल, ठीक है, तो ऊ भी पढ़ना है तो हिसाब से पता लगता हुआ। क्लॉक फेस रूल मतलब समझते हैं, घड़ी के डायरेक्शन में जैसे मूव करेगा ना, तो घड़ी बंद है, घड़ी के डायरेक्शन में जैसे मूव करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक फेस रूल, है ना। मैंने कि घड़ी के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत जाएगा तो एंटी क्लॉक। ये तो एकदम आसान है समझने में, ठीक है, तो दो तरह के डायरेक्शन पता चलेगा। अब इसमें हम ऑलरेडी इसको आपको बता देंगे ना, एकर बाद ना देखो दूध यहाँ पे फ्लेमिंग के रूल, तो देख फ्लेमिंग साहब दो गो नियम दिए, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, याद रखना, लेफ्ट पे काम करता है मोटर और राइट पे जनरेटर। फ्लेमिंगे के नियम पे लेफ्ट हैंड रूल जो दिया ना उन्होंने, उस पे मोटर काम करता है और राइट हैंड रूल जो उन्होंने दिया उस पे जनरेटर काम करता है, फ्लेमिंग साहब का, ठीक है ना। जब ई का किए मैं सबसे पहले कि बोला कि जब कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, करेंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे देखो सबसे पहले एकरा में क्या कहता है, कोई भी मोटर के कंस्ट्रक्शन तुम देखेगा ना बुआ, तो देखो ऐसे परमानेंट मैग्नेट रहेगा, एकरा बाद रेक्टेंगुलर क्वाइल रहेगा, ठीक है ना, ऐसे करके यही क्वाइल रहता है और यही जाकर के लाइनवा से कनेक्ट किया रहता है, तब जाकर के दिया, तो दिया तो नचना शुरू किया। तो ये जो दिया गया सिद्धांत, जब मोटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जब जनरेटर के बारे में पूछेगा तो राइट हैंड रूल। इनका कहना था कि जब करंट पास करा करके चुंबक का क्षेत्र पैदा किया जा सकता है, तब माइकल फराडे कहें कि हम चुंबक से बिजली का नहीं पैदा कर देंगे। आज देखो सामने जनरेटर रखा हुआ है ना, वो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, यही पे ना, सामने का जो जनरेटर एसी जनरेटर है वो अल्टरनेटिव करंट, इस पे भी हम वीडियो बना देंगे जल्दी, ठीक है ना। तो उस पे जो काम करता है वो कैसे काम करता है, वहां पर भी आपको जैसे ही है माइकल फराडे ही दिमाग लगा दिया ना, क्या तरीके हम चुंबक से जाकर के, तो का करता है ओकरा आगे देख डायनमो टाइप के लगा रहता आगे, वो का करता है, तो पहले फीटर लपेटे हमने, फीटरवा नचाने का काम किया, तो कंडक्टर को जब चुंबक वाला क्षेत्र में नचाएंगे ना, तो जाकर के वो चुंबक वाले क्षेत्र में जब कंडक्टर को नचाएंगे तो बिजली फेंकेगा, यही सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है। और ना तो जनरेटर क्यों लगाते हैं, ताकि जब लाइन कट जाए तो उसका सप्लाई को मेंटेन करे, है कि नहीं। मान लो ब्याह में तू खा रहा है छोला भटूरा, है कि नहीं, और लाइनें कट गया, दूसरा कोई हाथ मार लेगा तोरा में, ठीक है, तो वो सप्लाई को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, आपको जनरेटर लगाया जाता है। तो जनरेटर क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया में किस चीज को नचाया जाता है, कंडक्टर को नचाया जाता है, और कंडक्टर को नचा करके वो करेंट को पैदा करता है। इसीलिए जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर में आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है तब वो मैकेनिकल काम करता है। तो याद रखिएगा, है ना, मोटर और जनरेटर में हमेशा एक पॉइंट पूछ देता है, तो मोटर याद रखना कौची एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और जबकि जनरेटर क्या करता है, उल्टा कर दे, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इन दोनों के फिर अभी बताओ, मोटर कौन सा रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर कौन सा रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट इसके बारे में पूछा जाता है। अब इसके बाद देखो दो तरह के करेंट है, सुन लो, है ना, ये पूरा रिविजन के लिए काम आ जाएगा, दो तरह के करंट है ना, बार बार हम ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, बढ़िया सुनिए, दो तरह का करंट है, एक का नाम है डीसी करंट, एक का नाम है एसी करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट किसको कहेंगे, तो वैसा करंट जो बैटरी वगैरह से प्रोड्यूस होता है और साथ में जिसका पोलारिटी फिक्स रहेगा, यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात रहेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि डायरेक्ट करंट है। इसको हम ठेठ भाषा में
टाइप ऑफ करेंट विच डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज, वैसा करेंट जिसका डायरेक्शन आप नहीं बदल सकते हैं उसको डायरेक्ट करेंट कहते हैं। अब अल्टरनेटिव करेंट, तो अल्टरनेट का मतलब चेंज होना, ठीक ना। तो टाइप ऑफ करेंट विच हुज डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ ही समय के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ये सब जो 9 वाट वाला बल्ब है उसमें दिखा सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल नहीं। कारण, क्योंकि वो अल्टरनेटिव करेंट से चलने वाला है। ये पंखा जो लगा हुआ है उसमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कारण, ये अल्टरनेटिव करेंट से चलता है। लेकिन जो बैटरी वाला है, जैसे कि घड़ी जो चल रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पता है, इसमें भी वही होता है। चार्ज करने वाला दोनों तरफ से नहीं सटा सकते हैं, है ना। एकदम रिपल्सन मारने लगा, हम सोचे कि सर्ग नेचर जर्वे का खराब हो गया है कि नहीं, तो फिर देखे कि ओ इसमें तो भी पोलैरिटी वाला बात है, ठीक है, ऐसा सेट किया हुआ है इसमें, समझ गए ना। दोनों साइड से नहीं सटा सकते थे, यानी कि अपोजिट चार्ज वाला जहां पे सटाया, अपोजिट पोल वाला सटाया, तब जाकर के चार्जिंग पॉइंट उठाया, उस तरह से सिस्टम सेट है। नहीं तो जबरदस्ती करेगा तो फिर तो है ना, करेगा कि अच्छा साइंस से मजाक कर रहा है, हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से वो काम करता है। तो याद रखिएगा, जिसका डायरेक्शन फिक्स रहेगा वो डायरेक्ट करंट, और जिसका डायरेक्शन चेंज होगा वो अल्टरनेटिव करंट होता है। इसके बाद डोमेस्टिक सर्किट, तब बताओ डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग कौन सा तरफ के वायरिंग करेंगे। देखो इधर से हिलवा नचा रहा है, लग रहा है ठीक है नाचे है, ठीक है। तो यहाँ डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, जो घरेलू में किया जाता है आपको वो डोमेस्टिक सर्किट। और इसमें जो हम लोग प्रीफर करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, तो आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग जो फॉलो करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन ही फॉलो करते हैं, है ना, घर वगैरह में थोड़ा सा वायरिंग को लेकर के। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, है ना, एसी का क्या क्या फायदा है, डीसी का क्या क्या है, ये दोनों के बारे में। एसी का बहुत सारा एडवांटेज, इसका एप्लीकेशन वगैरह जो होता है आसानी से मिल जाता है, है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, अल्टरनेटिंग करेंट, है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करेंट। तो अल्टरनेटिव को डायरेक्ट करेंट में जो कन्वर्ट करता है ना, उस डिवाइस का नाम होता है रेक्टिफायर, है ना, याद रखेंगे। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिव करेंट को डायरेक्ट करेंट में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिव करेंट को डायरेक्ट करेंट में कन्वर्ट करता है। ये मोबाइल लैपटॉप का चार्जर देखे हैं ना, लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल के चार्जर कभी मुंह में लेकर चूसा है, मलाई बर्फ है के चूसेगा रे, तब उसमें मुंह मत, जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन में देखे मुंहवा में सिपसिपाएगा, लग रहा है ना कि सिपसिपी खा लें जैसे, है ना, हल्का हल्का झंझन आता है, ठीक है। तो वो कारण क्या होता है, क्योंकि वहां पे रेक्टिफायर एक डिवाइस लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, रेक्टिफायर याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे तुमको डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए कौची है, इस सब के घर में लगल है। इन्वर्टर का नाम सुने हैं, हैं, इन्वर्टर नहीं जानता है लोल्हा, हैं, तो इन्वर्टर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है डीसी करंट टू एसी करंट। देखता है घर में लेदर टाइप की बैटरी रहता है बहुत बड़ा, है ना, वो बैटरी, तो बैटरी से जो करंट है वो डीसी है, है ना, और उस पर ऊपर छोटा सा वो इन्वर्टर रहेगा यूपीएस टाइप के, है ना, वो क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, और एसी को डीसी में कन्वर्ट